हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करीब 3 साल पूर्व सड़क हादसे में सिर में लगी चोट और रीढ़ की हड्डी टूट गई। आर्थिक तंगहाली के चलते अहमदाबाद में इलाज नहीं करवा पाए। उसके बाद सरकारी अस्पताल से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। अब जिंदगी और मौत के बीच अटकी सांसें, ऐसी ही एक दर्द भरी दास्तां है पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बलिसर के मुस्लिमों की ठाणी निवासी शायब की। शायब गुजरात में ट्रक चलाता था और करीब 3 साल पहले 16 अक्टूबर 2016 को अहमदाबाद बड़ोदरा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर पर गंभीर चोट लग गई। शायब का भाई मोहिब खान ने अहमदाबाद में इलाज करवाया, लेकिन तंग आर्थिक हालातों के चलते मोहिब अहमदाबाद में भाई का इलाज नहीं करवा पाया और सरकारी इलाज के लिए वो अपने भाई को लेकर बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में लेकर आया। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने शायब का इलाज यहाँ पर संभव नहीं होने से जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन जोधपुर के MDS अस्पताल में भी इलाज संभव नहीं होने से छुट्टी कर दी। धोरी मन्ना से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।